Hi, hello friends, welcome to Pulse Excel. So today in this session we are going to discuss the Bredt's rule from organochemistry concept. Okay, so let us start with this session, before actually understanding the Bredt's rule and what are the examples of the Bredt's rule and how we are going to be understanding the statement of the best rule, first of all, we need to understand that what is the application and what is the importance, that why we have to study the Bredt's rule. So the first reason is that while we are going to be study the Bredt's rule, we are understanding over here the two things. First, most important thing that we have to understand the reaction mechanism. मतलब इससे हमें ये पता चलता है stability of alkenes as well as the stability of the carbocation. ये दो चीजें हमें यहाँ पे study मतलब Bredt's rule study करने से पता चलता है. And second thing, by using the Bredt's rule, okay, basically we should understand the importance of the double bond into the bridge cyclic compound. मतलब जो हमारे bicyclic जो compounds होते हैं, ठीक है, उसमें double bond का क्या importance है, ये दो चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है. So this is only the two reason that why we have to study the Bredt's rule. So that's why the Bredt's rule are going to be most important topic in your organic chemistry. So now without wasting our time, we are just going to be started with the first, the what is actually major key point that why we need to understand the Bredt's rule is the first key point, the statement. तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो है समझना है कि statement Bredt's rule actually होता क्या है. So as earlier I mentioned that the double bond, अब double bond में आप सबको I hope so you should completely aware about the double bond. Double bond में एक होता है आपका sigma और एक होता है आपका pi bond. Now pi bond is generally when it is going to be generated when your p orbitals, okay, are combined together, then we will create the what your pi bond. तो double bond में एक होता है sigma और एक होता है आपका pi bond. अब यहाँ पे condition क्या है देखो, in the statement of the Bredt's rule, a double bond cannot be placed with one terminus at the bridge head of a bridge ring system. ओके, मतलब हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बाईसाइक्लो, जिसमें हमारे दो साइक्लिक जो कंपाउंड्स होते हैं दे कम टुगेदर, ओके, तो उसे हम लोग बोलते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड. अब उसमें जो होता है आपका डबल बॉन्ड जो होता है ब्रिज हेड जो कार्बन होता है वहां पे फॉर्म नहीं हो सकता है, अनलेस, नाउ वन ऑफ द मेजर पॉइंट, अनलेस द रिंग्स आर लार्ज इनफ टू अकोमोडेट द डबल बॉन्ड विदाउट एक्सेसिव स्ट्रेन. मतलब अगर एट या फिर मोर देन एट नंबर्स अगर आपकी कोई साइक्लिक रिंग है, सो इन दैट केस द एक्सेसिव स्ट्रेन इज जस्ट गोइंग टू बी डिक्रीज. सो इन दैट कंडीशन दिस Bredt's rule आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल. सो दीज आर द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. अब ये हम लोग थ्रू एग्जाम्पल वन बाय वन स्टडी करेंगे, सो यू कैन क्लियर योर ऑल द पिक्चर रिगार्डिंग द Bredt's rule. अब सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पर जो है, दिस रूल इट इज ओनली एप्लीकेबल टू द ब्रिज, मतलब मल्टी साइक्लिक जो हमारे पॉलीसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं टू और मोर देन टू ओके रिंग कंपाउंड्स, उनके लिए ही ये एप्लीकेबल है, नॉट फॉर द फ्यूज रिंग सिस्टम. अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी मोर कंफ्यूज विद द ब्रिज मल्टी साइक्लिक रिंग कंपाउंड एंड द फ्यूज रिंग कंपाउंड. तो वो दोनों चीजें मैं यहाँ पर आपको रिफर कराऊंगी सो दैट यू कैन कम्प्लीटली क्लियर योर डाउट्स. और थर्ड है, जैसे जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि ये रूल स्टडी करने से हमें कौन सी चीजें यहाँ पे पता चलती है, देन आल्सो वी आर गोइंग टू एबल टू प्रिडिक्ट द आइसोमर. तो हमें यहाँ पे आइसोमर के बारे में पता चलता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेशन के बारे में पता चलता है, देन स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन, देर आर सो मेनी थिंग, देन रिगार्डिंग वी ऑल्सो अंडरस्टैंड द रिएक्शन मैकेनिज्म विच इज टेकन प्लेस वाया कार्बोकेटायन टू अ लेसर डिग्री वाया द फ्री रेडिकल्स. तो ये बहुत सारी चीजें जो होती है बाय अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल Bredt's rule वी कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली. ठीक है, जस्ट टेक अ लुक, दीज आर द एक्चुअली सम ऑफ द एग्जाम्पल्स विच आई एम गोइंग टू बी कलेक्टिंग टू अंडरस्टैंड योर Bredt's rule प्रॉपरली. सो लुक एट दीज आर द स्ट्रक्चर एंड दीज आर द एक्चुअली आई पैक नॉमिनक्लेचर ऑफ दिस. सो आई होप सो इन द अर्लियर वीडियो आई ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट दैट हाउ वी आर गोइंग टू बी असाइन द नेम टू द बायसाइक्लिक कंपाउंड. सो यू कैन विजिट दोज वीडियो सो यू कैन अंडरस्टैंड कि हम लोग उसका नेमिंग कैसे करते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे मैं शॉर्ट में फिर से बता रही हूँ, जब बायसाइक्लो का मतलब पहले वो समझ लिया, बायसाइक्लो कंपाउंड का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ये होता है कि हमारा जो टू रिंग जो होते हैं हमारे वेन दे फ्यूज टूगेदर. अब फ्यूज का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब यहाँ पे देख लो ये जो दो कार्बन है यहाँ पर मैं हाईलाइट करती हूँ, सो फर्स्ट एंड दीज आर द टू.
अगर मैं दो पॉइंट्स के इस साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर है टोटल टू कार्बन और यहाँ पर भी है दो कार्बन, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरा हुआ फर्स्ट रिंग, ये यहाँ पे हुआ मेरा सेकेंड रिंग ऑन टू द राइट हैंड साइड, ठीक है। अब वन मोर रिंग इज गोइंग टू बी प्रेजेंट, इसको हम लोग रिंग नहीं बोलेंगे, वी कैन कॉल इट एज अ ब्रिज, जो ये दो रिंग के ऊपर यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर है ओनली द वन कार्बन इज सपोज टू बी प्रेजेंट, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअली ब्रिज, विच इज वॉट इन बिटवीन द टू रिंग। सो ये हुआ हमारा थर्ड रिंग, वी कैन कॉल इट एज, तो ये हमारा हुआ थर्ड रिंग। अब ये जो दो कार्बन है इसे जनरली हम लोग स्टूडेंट क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड कार्बन। समझ में आया, ब्रिज हेड कार्बन मतलब कौन सा, जो दो रिंग को यहाँ पे क्या करता है, कनेक्ट करता है, दो ब्रिज को, मतलब दो जो हमारे साइक्लिक रिंग जो है, जो दो पॉइंट जो है ये जिसको कनेक्ट कर रहा है उसे यहाँ पर हम लोग बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या, अब ये जो है हम लोग उसको कंबाइन करेगा मैथमेटिकल टर्म में, वन प्लस टू प्लस थ्री, तो इसे हम लोग बोलेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब जब हम लोग आईपैक नॉमिनक्लेचर करते हैं तो ये जो सीरीज होता है इसमें क्या करना पड़ता है कि हमारा ये जो दो साइक्लिक जो रिंग है, साइक्लिक नंबर वन एंड टू, इसमें से जो भी मर्जी आपका साइक्लिक रिंग जो बड़े साइज में हो उसे हम लोग सबसे पहले नाम असाइन करते। तो जैसे कि अभी ये दो साइक्लिक रिंग हम लोगों ने असाइन किए, तो इसके लिए यहाँ पर हम लोग इनिशियल प्रीफिक्स लगाते हैं बाय। साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो रिंग के लिए लगाएंगे यहाँ पे साइक्लो, तो बाय साइक्लो। नाउ स्क्वेयर ब्रैकेट लेना, इन द स्क्वेयर ब्रैकेट जो लार्ज नंबर रिंग है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, तो लार्ज नंबर यहाँ पर तो अभी सिमेट्रिकल है, यहाँ पर भी टू है, यहाँ पर टू, तो डजन मैटर। तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर टू, सेकेंड रिंग में है टू। अब थर्ड मतलब यहाँ पे है ब्रिज कार्बन, वो हमें यहाँ पे डालना है। तो ब्रिज यहाँ पर जो है ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर कितने कार्बन है, यहाँ पर वन, तो ये वो आपका बायसाइक्लो कंपाउंड। अगर यहाँ पे आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है इन द बायसाइक्लिक कंपाउंड व्हेन यू आर गोइंग टू बी अप्लाइंग द ब्रेड थ्रू, तो यहाँ पे जो आपका जेड जो होता है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आपको यहाँ पे प्रॉपरली याद रखना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर। तो बायसाइक्लो कंपाउंड्स में जेड जो आपका होता है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये यहाँ पे जीरो नहीं होना है। अगर वो जीरो होता है मतलब जेड इज इक्वल टू जीरो, तो उस कंपाउंड को यहाँ पर हम लोग बोलते हैं फ्यूज रिंग कंपाउंड। तो यही जो बेसिक डिफरेंस है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है व्हाइल यू आर गोइंग टू बी व्हाट अंडरस्टैंडिंग द ब्रेड्स रूल। तो अगर मान लीजिए ये जो ब्रिज है यहाँ पर एक भी कार्बन आपका नहीं प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पे डायरेक्टली क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो उसे फिर हम लोग यहाँ पर बोलेंगे नॉट बाइसाइक्लो बट उसे वी कैन कॉल इट एज अ फ्यूज रिंग कंपाउंड। अब यहाँ पे देखो ये सेकेंड एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट मेरा रिंग है, ये मेरा सेकेंड रिंग है, बराबर। अब ये जो मेरे है दो कार्बन है जो दो रिंग को यहाँ पे फ्यूज कर रहा है, बट अगर यहाँ पे देखो ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बट अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं है एक्स्ट्रा कार्बन, तो यहाँ पे आपका क्या है, जेड इज इक्वल टू जीरो फॉर दिस एक्चुअल एग्जाम्पल, तो इसे बोलते हैं हम लोग फ्यूज रिंग कंपाउंड। तो इसमें आपका ब्रेड रूल क्या है, पॉसिबल है। क्यों, अब जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे मैम आपने ऑलरेडी बताया है कि जो आपका ब्रिज हेड कार्बन है वहां पर डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, तो आप तो बोलेंगे ये तो मेरा ब्रिज हेड कार्बन है तो यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे ब्रेड रूल नहीं बैठता है। बट यहाँ पर स्टूडेंट आपको देखना है कि आपका जेड जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, जेड इज इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका बायसाइक्लो कंपाउंड है, बट इसमें जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं है, इसमें जेड आपका इज इक्वल टू जीरो, तो इसके लिए यहाँ पर ब्रेड रूल पॉसिबल है, ठीक है। बिकॉज डबल बॉन्ड का मतलब स्टूडेंट क्या होता है कि डबल बॉन्ड जैसे आता है, एक वो आपका सिग्मा, एक वो आपका पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पर ये है, द वन थिंग द प्लेनेरिटी जो होती है शुड नॉट पॉसिबल इन टू द ब्रेड रूल ऑन टू द ब्रिज हेड कार्बन। तो जो हमारा ब्रिज हेड कार्बन है वहां पे प्लेनेरिटी नहीं है, मतलब एसपी और एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, इन द केस ऑफ ब्रिज हेड कार्बन। तो ये दो चीजें भी हमें यहाँ पर साइमल्टेनियसली याद रखनी है व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द व्हाट यूर डबल बॉन्ड कंडीशन, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देखो ये है मेरे ब्रिज हेड कार्बन, तो जैसे मुझे पता चला यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन आपने आइडेंटिफाई करे, तो आपको देखना है वहां पर डबल बॉन्ड है या नहीं। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है, पॉसिबल है, तो ये स्टेबल है, तो दिस स्ट्रक्चर विल बी स्टेबल। तो नेमिंग हम लोगों ने कैसे दिया, बाईसाइक्लो जहां से ब्रिजिंग है वहां से नाम स्टार्ट करा, वन
टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन मोर कार्बन सेवन, सेवन को हम लोग लिखते हैं हेप्ट, सेकेंड पोजिशन पे आपका डबल बॉन्ड तो टू इन. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू बी गिविंग द नेम एंड वी ऑल्सो सी द ब्रेड रूल वहां पे पॉसिबल है या नहीं. तो ये स्टेबल है तो यहाँ पे ब्रेड रूल पॉसिबल है, मतलब ये स्ट्रक्चर स्टेबल है. अब सेकेंड यहाँ पर देखो, थ्री मैंने ओ स्ट्रक्चर यहाँ पर डाले हैं. नेमिंग तो अब आप यहाँ पे देख लो, हम लोग सिर्फ देखेंगे ब्रेड रूल वहां पे आ रहा है या नहीं. अब यहाँ पे देखो, ये है मेरे ब्रिज हेड कार्बन, ठीक है. अब ब्रिज हेड कार्बन पे यहाँ पे इमीडिएटली क्या है आपका, डबल बॉन्ड है. तो यहाँ पे ब्रेड रूल आपका क्या हो रहा है, वॉयलेट्स हो रहा है. बिकॉज अब यहाँ पे देखो, जैसे ही डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट होगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव स्ट्रेन जनरेट हो रहा है. सो बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेन दिस कंपाउंड विल बी हाईली अनस्टेबल, करेक्ट. तो ये कंपाउंड यहाँ पे क्या होगा, हाईली अनस्टेबल. सो दिस इज वाई यहाँ पे ब्रेड रूल पॉसिबल नहीं है. बिकॉज जैसे ही यहाँ पर, क्योंकि स्टेटमेंट आपका क्या है, डबल बॉन्ड कैन नॉट बी प्लेस विथ वन टर्मिनल्स, मतलब ब्रिज हेड कार्बन एट द ब्रिज हेड ऑफ द ब्रिज रिंग सिस्टम. तो जैसे यहाँ पे बना, ब्रेड रूल आपका पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही बॉन्ड बना वो कार्बन यहाँ पे आपका क्या हुआ, दिस बॉन्ड शुड बी कन्वर्टेड इन टू द एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन में उसका कन्वर्जन हुआ. और एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन का जब भी आपका यहाँ पे कन्वर्ट होता है तो दैट शुड बी प्लेनरी नेचर. बट आपको पता है कार्बन विल बी टेट्राहेड्रन इन नेचर, तो यहाँ पे प्लेनरिटी नहीं होती. अब मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा है वन ऑफ द बॉन्ड, ठीक है. अब मान लीजिए इसके ऊपर ये मेरा कार्बन वन है, दिस इज माई कार्बन टू. अब इसके ऊपर मान लीजिए ये मेरा ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, ब्रिज यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया, ठीक है. अब जैसे ही यहाँ पे ब्रिज अगर कंसिडर हम लोग करते हैं, ठीक है, और इस नाउ, अब देखो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से बता रही हूँ. सो दीज आर द माई टू पेन, दीज आर द माई ब्रिज हेड कार्बन, और यहाँ पे मेरा ब्रिजिंग फॉर्म हुआ. अब जैसे ही ब्रिज पे मैंने यहाँ पर क्या कर लिया स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया ऑन द ब्रिज हेड कार्बन. तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा स्टूडेंट, सो वॉट नाउ एक्सेसिव स्ट्रेन विल बी जनरेट बिकॉज द बॉन्ड एंगल बिटवीन दीज एक्चुअली टू कार्बन विल बी जनरेटिंग द वेरी वेरी स्ट्रेन. तो पी ऑर्बिटल का जो पॉसिबिलिटी है, जो ओवरलैपिंग जो होना चाहिए, दैट इज नॉट एबल टू पॉसिबल एट द ब्रिज हेड कार्बन. सो दिस इज एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट ब्रेड रूल वॉयलेट्स द एसपी टू हाइब्रिडाइजेशन ओवर हियर. प्योर पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज ये क्या होगा, अभी जैसे ही यहाँ पर होगा, सो दीज एक्चुअली कार्बन पुल द ब्रिजिंग कार्बन टूवर्ड इट्स सेल. तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं. तो मतलब आप अगर देखोगे तो ये बॉन्ड यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं. तो जहां पर भी आपके ब्रिज हेड कार्बन है वहां पर आपका डबल बॉन्ड बेसिकली बनता ही नहीं है, ठीक है. तो यही आपका ब्रेड्स रूल है, नथिंग इज, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना आना चाहिए. सेकेंड एग्जाम्पल अब यहाँ पे देख लो, ये रिंग है, ये है मेरे ब्रिज हेड कार्बन. अब यहाँ पे देखो ब्रिज पे डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी ब्रिज हेड कार्बन डबल बॉन्ड है, पॉसिबल नहीं है. इतना सिंपल है, ठीक है. अब यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पर बोलोगे ब्रिज हेड मैम कार्बन है, तो यहाँ पर तो आपका डबल बॉन्ड है, बट आपने स्ट्रक्चर को राइट लिखा. बट सिंपल रीजन जो मैंने यहाँ पे बताया था, क्योंकि यहाँ पे जेड इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है. और आपका क्राइटेरिया यहाँ पर हमें क्या बोलता है, जेड इज इक्वल नॉट इक्वल टू वेन जीरो, देन एंड देन ओनली दिस रूल इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. तो यहाँ पर ये स्टेबल है, बिकॉज यहाँ पर देखो वन टू थ्री फोर पाई, बट यहाँ पर जस्ट बिकॉज ऑफ द जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे वो प्लेनरिटी जनरेट हो रहा है, बिकॉज रिंग साइज ऑल्सो गोइंग टू बी जनरेटिंग. सी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन. तो जैसे जैसे आपका रिंग स्ट्रक्चर भी बढ़ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला था दैट मोर देन, अगर आपका वन ऑफ द साइकिल विल बी मोर देन एट, एट से अगर ज्यादा होता है तो वहां पे स्ट्रेन आपका थोड़ा बहुत रिलीज होता है. तो इन दैट सेंस योर ब्रेड रूल्स आर गोइंग टू बी पॉसिबल. अब सेकेंड स्ट्रक्चर यहाँ पर देखो, ये है ब्रिज कार्बन, यहाँ पर है ब्रिज कार्बन, ब्रिज के यहाँ पर है, नंबर काउंट करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड दीज आर द नाइन. बट अगर मैंने यहाँ पर नाइन को छोड़ा तो ये एट मेंबर पॉसिबल तो होता है, बिकॉज द वन ऑफ द रिंग विल बी द लार्जर इन साइज. तो ऐसे हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर्स को देखने, आई एम जस्ट गोइंग टू बी टेकिंग नाउ द एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है. अब देख लीजिए यहाँ पर हम लोग ये स्ट्रक्चर्स के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर ये सिंपल स्ट्रक्चर है, ओके. अगर मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल दिया, ठीक है, तो यहाँ पर आपका ब्रेड रूल पॉसिबल है, डेफिनेटली पॉसिबल है, बिकॉज ऑन द ब्रिज हेड कार्बन आपके यहाँ पर है, जहां पर आपका कुछ भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है.
अब और यहाँ पर देखो, ये है मेरा ब्रिजड कार्बन, डबल बॉन्ड है तो इस स्ट्रक्चर में पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू रूल। बट अब अगर हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो ये 9 है तो पॉसिबल है। अब यहाँ पर देखो, डबल बॉन्ड ब्रिजड कार्बन पर है, बट रिंग देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है तो पॉसिबल है। अब यहाँ पर भी देखो, मतलब 8 से अगर ज्यादा आपकी रिंग होती है तो इन दैट ब्रेड थ्रू आप पॉसिबल, बट अगर 8 से कम होता है तो वहां पे स्टूडेंट क्या होता है, जनरली आपका एक्सेसिव स्ट्रेन वहां पे क्या होता है, जनरेट होता है, इसकी वजह से आपका वहां पे ब्रेड रूल पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर भी देखें तो ये आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, डबल बॉन्ड के साथ आपका यहाँ पे कार्बोकैटायन भी है, अगर मैंने कार्बोकैटायन को यहाँ पे निगलेक्ट कर लिया, ओनली आई एम कंसिडर द डबल बॉन्ड, देन ब्रेड रूल पॉसिबल। बट अगर यहाँ पे मैंने कार्बोकैटायन देखा, अब यहाँ पे देखो, जैसे मेरा कार्बोकैटायन यहाँ पे जनरेट होता है, तो कार्बोकैटायन का मतलब होता है योर स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर इन नेचर, सो दीज आर द एक्चुअली क्राइटेरिया। बट एट द ब्रिज हेड कार्बन प्लेनरिटी इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द ब्रेड रूल, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर आज नॉट पॉसिबल बिकॉज दीज आर द ब्रिज हेड कार्बन अगेन। तो ब्रिज हेड कार्बन पे अगर कोई पॉजिटिव चार्ज भी आता है वहां पर, तो भी ये यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ब्रिज हेड कार्बन पे आपका कभी भी कोई भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं होता है, नॉट प्लेनरिटी ऑल्सो, ठीक है। सेकेंड, अब यहाँ पर भी देखो, ब्रिज हेड कार्बन है, कार्बोकैटायन नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे देखो, ये है ब्रिज हेड कार्बन, बट कार्बोकैटायन आर गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन टू दिस पर्टिकुलर कार्बन, मतलब ये आपका ब्रिज है और ब्रिज के ऊपर आपका कार्बोकैटायन पॉसिबल है। तो आपको मुझे बताना है कि इन दिस स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है या नहीं, एस और नो, कमेंट मी योर आंसर। अब ये मैंने दो बताया, अब मैं एक रिएक्शन बताती हूँ एप्लीकेशन में। सो दीज आर द एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म, व्हाइल दीज आर द हाइड्रोक्सी ग्रुप ओवर हियर प्रेजेंट, सो इन द एलिमिनेशन रिएक्शन व्हाट। नाउ सी, वी मूव फर्दर इन टुवर्ड्स द एप्लीकेशन पार्ट। सो दीज आर द एक्चुअली वन ऑफ द रिएक्शन। नाउ इन द दिस पर्टिकुलर रिएक्शन व्हाट विल हैपन, दीज आर द एक्चुअली हाइड्रोक्सी ग्रुप। नाउ वी विल स्टार्ट विद द एलिमिनेशन रिएक्शन फर्स्ट। So there will be the possibility of to remove the hydrogen along with this hydro group will be the two possibility, one here and the second possibility over here. So the here basically the two isomers are possible after removal of the water molecule from this particular moiety. So ये substrate में से मान लीजिए मैंने अगर ये वाला पहले consider कर लिया तो double bond यहाँ पे generate होगा, और अगर मैंने ये वाला हाइड्रोजन लिया जो ब्रिज हेड कार्बन पर है, इफ आई एम जस्ट सपोज टू बी एलिमिनेटेड दिस हाइड्रोजन एंड जनरेटिंग दिस, सो दिस एक्चुअली आइसोमर इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू ब्रेड रूल, बिकॉज यहाँ पे ब्रिज हेड जो कार्बन है वहां पर आपका डबल बॉन्ड जनरेट होगा, एंड इट इज नॉट एक्चुअली पॉसिबल टू रिमूव वेरी इजिली कंपेरेटिवली दिस हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट ऑन टू दिस कार्बन, तो ये सब चाहे यहाँ पे पॉसिबल है। सो दिस इज हाउ वी आर ऑल्सो एबल टू प्रिडिक्टिंग दी वॉट आइसोमर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्रेड थ्रू, ठीक है। अब मान लीजिए अगर जो हमारा ब्रिजर कार्बन है, इफ आई जस्ट सपोज टू बी रिप्लेस विद दी हेट्रोएटम, मतलब हेट्रोएटम मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड अलॉन्ग विद द सल्फर, देन वॉट इज अ ब्रेड थ्रू, सो दिस विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर जैसे आप यहाँ पर बात करोगे, कार्बन अगर आपका रिप्लेस होता है विथ रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन, तो इन द केस ऑफ नाइट्रोजन दी स्ट्रक्चर विल बी पॉसिबल। अब यहाँ पे बोलोगे कार्बन के साथ पॉसिबल, नाइट्रोजन के साथ क्यों नहीं, बिकॉज जनरली व्हाट विल हैपन, सपोज दीज आर द योर स्ट्रक्चर, यहाँ पर है आपका नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पे यहाँ पे है वॉट लोन पेयर, तो लोन पेयर यहाँ पर क्या करेंगे, लोन पेयर इजिली वॉट कैप्चर द हाइड्रोजन फ्रॉम द एनी अनदर सबस्ट्रेट, तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन आपका यहाँ से क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, एंड देन दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन टू द हेड ऑफ द नाइट्रोजन कैप्चर द हाइड्रोजन एंड देन यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे देखो, जो कार्बोकैटायन यहाँ पे जो जनरेट हो रहा है, यहाँ पर तो ये कार्बोकैटायन का नेचर क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जैसे ही यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, दिस स्ट्रक्चर विल बी द वेरी स्टेबल, देन दिस इज गोइंग टू बी पॉसिबल, ठीक है। तो इन द केस ऑफ नाइट्रोजन दिस स्ट्रक्चर आर गोइंग टू बी पॉसिबल। सेकेंड, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी जो होती है ऑन दिस ब्रेड थ्रू ऑल्सो वी आर गोइंग टू बी असाइन। अब यहाँ पे देखो, थ्री स्ट्रक्चर दिए आपको ABC, हमें असाइन करनी है उनकी स्टेबिलिटी। सो वेरी इजी, पहले तो देखो यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन सिलेक्ट करना है, तीनों स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है। अब ब्रिज हेड रूल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर नहीं, बट यहाँ पर देखो ब्रिज हेड कार्बन पे ऊपर प्लस है, तो यहाँ पे नहीं है, तो ये है हमारे स्टेबल।
तो ये तो हमें पता चला, बट अभी यहाँ पे हमें देखना है दैट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन किस में सबसे ज्यादा है। इफ आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस कार्बोकेटायन, तो यहाँ पर ये इस कार्बोकेटायन के सराउंडिंग में ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, या टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है अल्फा, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन। सो टोटल कितने है? 3, 2, 5, 6। तो ये इन दिस स्ट्रक्चर यू विल हैव टोटल हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। अब इस स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें, यहाँ पर कार्बोकेटायन है सराउंडिंग दिस कार्बन एंड दिस टू कार्बन, तो यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 1, सो ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन इन द सेकेंड केस। एंड इन दिस केस ब्रिज पर ही कार्बोकेटायन है, बट सराउंडिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर टू यहाँ पर तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप अगर बात करें तो सबसे पहले स्टेबिलिटी में जो आएगा सी वाला मोर स्टेबल है। अब बात करेंगे अगर अल्फा हाइड्रोजन के हिसाब से, सो यू शुड गो विद द ए, बट यहाँ पर ए नहीं आता है अकॉर्डिंग टू ब्रिज सूल, बिकॉज द कार्बोकेटायन और द डबल बॉन्ड आर नॉट जस्ट सपोज टू बी प्लेस एट द ब्रिज हेड कार्बन, तो यहाँ पे नहीं आएगा। तो उसके बाद आएगा बी और उसके बाद आपका आएगा ए। सो दीज आर द योर करेक्ट आंसर। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू बी असाइन द क्वेश्चन वेरी इजिली बाई यूजिंग द ब्रेड्स रूल। वन मोर एग्जाम्पल, अब ये आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे मैंने बताया है, सो कमेंट मी कि ये इसमें आपका क्या हो रहा है, येस और नो। अब ये नाइट्रोजन का मैंने सॉल्व किया, अब यहाँ पर भी देखो इन द केस ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, सो इजीली व्हाट स्पेसिफिक रेजोनेंस आर गोइंग टू बी पॉसिबल, तो रेजोनेंस में यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर गोइंग टू बी ओवर हियर एंड देन माइग्रेटिंग ओवर हियर, सो रेजोनेंस यहाँ पे प्रॉपर हो रहा है, तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी भी प्रॉपर होगी, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड अलॉन्ग विद दिस कार्बोकेटायन। बट नाउ लुकिंग एट दिस नाइट्रोजन कार्बोकेटायन है 1, 2, 3, 4 पाई बॉन्ड एंड कार्बोकेटायन, यहाँ पर ही आपका ओ नेगेटिव, तो आपको क्या है ब्रेड सूट बैठेगा या नहीं, जस्ट टेल मी द योर करेक्ट आंसर। सो अलॉन्ग विथ नाउ दीज आर द होमवर्क एज आई ऑलवेज जस्ट सपोज टू गिव यू, सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल 2, आपको बताना है यहाँ पर ब्रेड रूल पॉसिबल है या नहीं इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर। ओके, सो कमेंट मी योर आंसर इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली द ब्रेड्स रूल। ओके, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस ब्रेड्स रूल, सो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी द क्वेश्चन, आई डेफिनेटली रिजोल्व यूर ऑल द प्रॉब्लम्स। ओके, सो वंस अगेन स्टूडेंट, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। ओके, थैंक्स अ लॉट।